परमपिता बाबा की जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। एक्चुअली आज मैं मोरालिटी के ऊपर में बोलूंगा। इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको उठाना चाहिए, इसे समझना चाहिए। जिस तरह से हम एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम एबीसीडी सीखना पड़ता है। बिना एबीसीडी सीखे हम सेंटेंस नहीं बना सकते। उसी तरह हमारे अध्यात्म जीवन में, भौतिक जीवन में, मानसिक जगत में भी कुछ चीजें हैं, उसे हमें उसकी प्रोग्रेस अगर चाहिए तो हमें एक कुछ चीजें समझना पड़ेगा, कुछ नियम कानून है उसे मानना पड़ेगा, तभी विकास होगा। चलते तो सभी है, जीते तो सभी है, मरते तो सभी है, जन्म लेते हैं मरते हैं, मृत्यु जन्म ये तो प्रकृति की देन है। लेकिन कुछ इसी जन्म मृत्यु के बीच में ही कुछ अलग कर जाते हैं, परम पुरुष को पा लेते हैं, अपनी सुप्रीम कंसियसनेस के साथ एक हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या हमें कुछ करना पड़ता? बिना किए कभी कुछ नहीं मिलता इस जीवन में, किसी को नहीं मिला। हाँ, कुछ होते हैं मायरेकल, वो मायरेकल भी ऐसे नहीं होता, वो मायरेकल भी उसका अपना रिएक्टिव मोमेंटा होता है। कभी कभी हम बोलते अरे वो तो बहुत लकी है, लकी कुछ नहीं है, उसकी रिएक्टिव मोमेंटा थी पिछले जन्म की, जिससे उससे जन्म में किसी कारण से नहीं मिली, इस जन्म में उसे मिली। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लकी है। सो यहाँ पे बाबा आप एक स्लोगन लगाते हो, जब भी रैली निकलती है, जब भी प्रोसेशन निकलती है तो एक स्लोगन होता है। उस स्लोगन को क्या है, कभी आपने सुना है, कभी गौर से सुना है? गौर से सुनते सभी है, बोलते सभी, ध्यान दिया है? मोरालिस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट। विश्व के नैतिकवादियों एक हो, एक हो। ये नैतिकवादी कौन है, ये मोरालिस्ट कौन है, कभी आपने सोचा है? अच्छा बोलने से कोई मोरालिस्ट नहीं हो जाता है, मोरालिस्ट के कर्म होते हैं, कुछ गुण होते हैं, वो होना चाहिए तभी आप मोरालिस्ट बनेंगे। सो इसीलिए मैं दो दिन से मेरा बेटा जब पढ़ रहा है हुआ साइकोलॉजी, तो मैं उसको बहुत गौर से देखी, बहुत गौर से पढ़ी और सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं, इसे तो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, जो कि हमारा बेस था, हमारे स्पिरिचुअलिटी का बेस था। बाबा बोल रहे हैं मोरालिटी दो प्रकार का होता है, पहला यम एंड दूसरा नियम। यम क्या है? यम है अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पांच यम है, पांच नियम भी है। क्या है? शौच, संतोष, तप, शोधाय, ईश्वर परनिधान। सो जो ये यम नियम को फॉलो करता है वही मोरालिस्ट है। और बाबा एक चीज और लिख रहे हैं, योगा साइकोलॉजी की मैं बात कर रही हूं, उसी बुक में है। कल तक स्पेशलिटी एक चैप्टर है, उसको आप निकालेंगे तो ये सब चीज बहुत डिटेल लिखा, बहुत अच्छी तरह से बाबा ने लिखा है उसमें। तो उसमें लिखा है मोरालिटी इज द बेस, स्पिरिचुअलिटी इज द गोल। अगर आपकी बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो आप गोल को कैसे अचीव कर पाएंगे? सो पहले हमें अपने बेस पे ध्यान देना है। जब हम कभी कुछ काम करते हैं तो पहले शुरुआत जब करते हैं, सब्जी बनाते हैं, चलो छोटी सी एग्जांपल बना, पहले हम सब्जी काटते हैं, धोते हैं, पहले धोते हैं, काटते हैं, फिर उसको बनाते हैं। उसी तरह से हमारी जो साधना है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, उसके लिए भी हमें कुछ साधना करनी पड़ती है। वो साधना क्या है? यम नियम की साधना है। बाबा ने बहुत ही अच्छे से अच्छा आप हर कोई सुप्रीम कमांड जानता है, हर कोई, मुझे लगता है आनंद मार्गी का एक एक बच्चा सुप्रीम कमांड जानता है, चरम निर्देश जिसको हिंदी में बोलते हैं, हर कोई जानता है। हर एक डीसी में लोग बोलते हैं, हर एक प्रोग्राम में लोग बोलते हैं चरम निर्देश क्या है। ओके, तो आपने कभी चरम निर्देश पढ़ा है गौर से, कभी समझा है गौर से? सभी लोग पहले लाइन को ही लेके जीवन भर रह जाते हैं। पहला लाइन क्या है? दो जो फॉर फॉर्म साधना ट्वाइस डे रेगुलरली द थॉट ऑफ परम पुरुष विल सर्टेनली अराइज इन देयर माइंड्स एट द टाइम ऑफ डेथ। ओके, सो यहां सभी लोग क्या बात करेंगे, आपको दो बेला साधना करना चाहिए। लेकिन उसमें आगे एक चीज और लिखा है, विदाउट यम एंड नियम साधना इज एन इम्पॉसिबिलिटी। कितना सुंदर से बाबा लिखे, विदाउट यम एंड नियम साधना इज एन इम्पॉसिबिलिटी। उसमें एक लाइन और लिखा है, उसमें लिखा है इसे शायद, यम नियम को फॉलो करना भी परम पुरुष का ही निर्देश है।
उसके बाद लिखा आगे यम यम को फॉलो करना ही परम पुरुष का ही निर्देश, इट्स अ लॉर्ड्स कमांड, यू हैव टू फॉलो यम एंड नियम, इट्स अ लॉर्ड्स कमांड। उसके बाद उसमें एक लाइन और लिखा है, उसको डिटेल में मैं बता रही हूँ एक्सप्लेनेशन करके, आप चरण निर्देश तो सभी जानते हैं, उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, ओके, इसको समझना मतलब है। उसके बाद लिखा है दोज हु डोंट फॉलो दिस कमांड, जो इस कमांड को फॉलो नहीं करता, मैं समझा रही हूं, मैंने लाइन बाय लाइन नहीं बोल रही हूं, आपको लाइन बाय लाइन सुनना है तो मैं वो भी बोल दूंगी, लेकिन सबको आता है। सो अगर जो इस लॉर्ड कमांड को नहीं मानता है, उसको जीवन भर करोड़ों करोड़ों वर्ष, मतलब नॉट जीवन भर, करोड़ों करोड़ों वर्षों तपस्व जीवन की क्लेश में दग्ध होगा। तो आप सोच सकते हो यम एंड नियम का इंपॉर्टेंस क्या है जीवन में। आप साधना करते हो, आपकी साधना की बेस ही नहीं है, आप घंटों घंटों साधना में बैठ के आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी उसकी फ्रूट कभी नहीं मिल रही है, क्योंकि आपकी यम नियम तो जीरो है। तो अब क्या है, खाली ये नहीं है वो नहीं करने से नहीं आगे बढ़ेंगे इंसान, हमें करना है, हमें जानना है। यम क्या है, यम एक साधना है, नियम भी एक साधना है। यम क्या साधना, यम शारीरिक और मानसिक जगत की साधना है। क्या है, भौतिक, सॉरी नॉट शारीरिक, यम जो है भौतिक और मानसिक जगत की साधना है। आप समझ रहे हो, भौतिक और मानसिक जो आदमी के अंदर है उसको स्ट्रॉन्ग करती है वो साधना। सोच जो है भौतिक सोच, मानसिक सोच जो इंसान को क्लेश दब दे के चारों तरफ से माइंड में घिरा रहता है, हर समय ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है आगे बढ़ने पर फिचुअल के पाथ में, उसको उसको उससे अलग करता है, उसको साधना है। नियम साधना क्या है, भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक जगत, इसमें तीनों आ जाता है, इस तीनों जगत को आगे करता है, उसमें इंप्रूवमेंट लाता है, आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। सो यम एंड नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। साधना का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर 24 घंटा मेडिटेशन लगा के बैठे हैं पद्मासन में बैठा के, वो सिर्फ साधना नहीं है। यम भी एक साधना है, नियम भी एक साधना है, अपनी भौतिक जगत के में कंट्रोल करना वो भी एक साधना है, एक मानसिक जगत में कंट्रोल करना वो भी एक साधना है, कि स्पिरिचुअल जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं पद्मासन में बैठ के स्पिरिचुअल जगत की साधना है। तो स्पिरिचुअल जगत की साधना करने के लिए आपको भौतिक और मानसिक जगत की साधना भी करनी पड़ेगी। अगर आपकी भौतिक और मानसिक जगत की साधना सही नहीं है तो आप मानसिक आध्यात्मिक जगत की साधना में फेल हो जाएंगे। अगर आपके माइंड पे ही कंट्रोल नहीं है तो क्या करेंगे आप, आपके शरीर पे ही कंट्रोल नहीं है। एक साधक का बॉडी लगना चाहिए साधक है, एक यम नियम, एक आध्यात्मिक जगत के लोगों की बॉडी देख के लोग बोल दे ये तो आध्यात्मिक जगत की बॉडी है, तो बाबा का हर रूल फॉलो करता है। मैं बोलती हूं, मैंने भी देखा है, एक महीने में योगा छोड़ देती हूँ मेरे पेट आगे निकल जाती है, सच में बोलती हूँ। अगर मैं बोलती कोई आदमी योगा कॉस की तांडव रेगुलर करे तो उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट फिट रहेगी। अगर किसी का बाय बर्थ होता है तो आप उससे कंपेयर ना करें, कुछ लोग होते हैं बाय बर्थ लीन थीन होते हैं बट वो कुछ भी नहीं करते हैं, सच में बताती हूँ, कुछ नहीं फॉलो करते बट वो उसका जेनेटिकल होता है, तो वी शुड नॉट कंपेयर विद दैट। बट नॉर्मली दोज हु फॉलो, जो बाबा के नियम कानून, एक एक नियम को, रेगुलेशन को फॉलो करता है, उसकी बॉडी से झलकेगा कि आध्यात्मिक मनुष्य है, उसके वचन से झलकेगा, उसके मन से झलकेगा, उसमें सत्य को सत्य बोलने की शक्ति होगी, असत्य को असत्य बोलने की शक्ति होगी उसमें, वो किसी से डरेगा नहीं। मोरालिस्ट कभी किसी से डरता नहीं है, उसको आप लाख अच्छी अच्छी बोली बोल दो, लाख मीठी मीठी बोली बोल दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे परम पुरुष की भाषा समझता है वो। परम पुरुष कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, उससे मोरालिस्ट कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा वो। गलतियां होती है इंसान से, गलतियां को अपने जीवन का आधार बना लेना वो मोरालिस्ट का काम नहीं है। इसका मतलब वो नहीं है जीवन में गलती हुई तो आप मोरालिस्ट नहीं बन सकते, मोरालिस्ट कभी भी बन सकते हैं, जब आप चाहे तब शुरुआत कर सकते हैं। यही तो है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत के लिए ना उम्र की सीमा है न जन्म की सीमा है, कोई भी आध्यात्मिक जगत को पा सकता है, सुख को पा सकता है। तो बात है मोरालिस्ट, कितनी छोटी सी एक वर्ड है, हर एक बच्चा मुंह से बोलता है लेकिन कोई नहीं समझता है। आज लोग क्या बोलते, गुड कंडक्ट, इंग्लिश में मोरालिटी का मतलब होता है गुड कंडक्ट,
सिर्फ गुड कंडक्ट है, कंडक्ट का मतलब भी लोग समझते नहीं है, कंडक्ट का आचरण हर एक आचरण में ही आ जाता है यम नियम, लेकिन गुड कंडक्ट का मतलब नॉर्मली लोग सोचते हैं जो अच्छा बोलता है वही मोरलिस्ट है, नहीं ये गलत है, ये रॉन्ग परसेप्शन है। इसलिए चीजों को समझे, बाबा ने बहुत कुछ दिया है, हम लोग बहुत भाग्यशाली है, अगर उसको हम लोग ग्रास्प नहीं करते तो हमारी गलती होगी इसमें। बाबा जैसे गुरु पाना, तारक ब्रह्म, पता नहीं हम लोगों ने कितने जन्म के पुण्य होंगे। सो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें समझना है। छोड़ देने से नहीं होता है, किस पे छोड़ेंगे आप? क्या आपने कभी कभी अपना खाना छोड़ा है? कभी छोड़ा है? आप बोलते जो हो रहा है होने तो भगवान की कृपा से हो रही, मत खाओ ना, क्या जरूरत है आपको चार वक्त खाने की? भगवान पे छोड़ दो, अपनी पेट अपनी शरीर अपनी इच्छा खुद पता चलती है, लेकिन समाज का आदेश का वो आपको लगता है भगवान पे छोड़ दो, नहीं, ये जो है ढोंगियों का काम है जिसे कुछ करना नहीं है, सिर्फ बोलना है। बोलना क्या है? भगवान 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 क्या है? भगवान किस चीज में है? भगवान कभी भगवान बोलते हैं, बाबा ने एक बार साइकोलॉजी में एक वर्ड लिखा है, यू डू ओन ड्यूटी, परम पुरुष इज डूइंग हिज ओन ड्यूटी। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है हर एक मनुष्य में प्रेम भाव जगाना, विश्व बंधुत्व मनाना। बाबा ने बोल दिया विश्व बंधुत्व नव मानवतावाद। आपकी हर एक क्रिएचर में परम पुरुष को देखना, हर एक मनुष्य में परम पुरुष को देखना। ऑब्वियसली गलत है तो गलत को बोलना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो उसमें परम पुरुष नहीं है, उसमें भी परम पुरुष है। उस परम पुरुष को निकालना, अगर वो नहीं निकलता है तो उसकी गलती, आप उस पर ज्यादा दिमाग ना खपाए, क्योंकि उसके पीछे पड़ेंगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति खत्म हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं, क्योंकि मनुष्य की जीवन है, मनुष्य का मन है, आप हर किसी को चेंज नहीं कर सकते, ना हम आप हमको चेंज कर सकते हैं, ना हम आपको चेंज कर सकते हैं। सिर्फ चेंज एक ही चीज हो सकती है, आध्यात्मिक जगत के में अगर उन्नति हो ये तभी चेंज हो सकती है। तो आप सबकी बात लेकर चलना, सबके लिए सोचना हमारा काम है, सबको बदलना मेरा काम नहीं है। करेक्ट, सबके लिए सोचना मेरा काम है, सबको बदलना मेरा काम नहीं है। बदलना हो परम पुरुष समझेंगे, उसके अपने कर्म समझेंगे, वो क्या चाहता है क्या नहीं करता, उसमें मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे लगता है कि नहीं ये जगह सही नहीं, ये लोग भ्रमित करने वाले लोग हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने भी भ्रमित रहेंगे और हमें भी उस भ्रम में फंसाए रखेंगे, तो रास्ते को बदल लो, कोई उपाय नहीं है ना इसके बाद। सो ऐसी ऐसी चीजें, बहुत कुछ चीजें है जो आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेंगे। लोगों की काम है बोलना, ये ऐसे नहीं करता, वो नहीं करता, उसकी जिम्मेदारी ये है, उसकी वो है। कभी आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? अगर आज अपनी जिम्मेदारी निभाती तो आज ये देश, ये समाज कलह कलह पूर्ण हो गया है। कितने दुख कितने तकलीफ, हर एक घर में तकलीफ है, आप जाके देखो, कोई सुखी नहीं है, कोई खुशी नहीं, क्यों? आप लोगों ने तो बनाए थे सारे नियम कानून संस्कृति सभ्यता, कहां गया सब? आपकी संस्कृति सब कहां गई? किस लिए इतनी तकलीफ है? आपने तो औरत को एक नौकरानी बना के रखा, फिर भी आपकी संस्कृति आपके घर में कला है, क्यों है? अगर आपके लगता है हर चीज की दोषी एक औरत है, तो फिर क्यों आपने तो एक औरत को दाब के रखा, नौकरानी बना के रखा, फिर भी आपके घर में शांति नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने गलत संस्कृति बनाया, आपने औरतों के ऊपर हर चीज थोप दिया। बाबा ने बोला है बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, बाबा के बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, उन्होंने औरत को भी साधना करने बोला है। जब एक औरत साधना करेगी, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कब होगा? जब वो यम नियम फॉलो करेगी। यम नियम फॉलो करेगी तो उसका भी अधिकार बनता है सत्य को सत्य बोलने, असत्य को असत्य बोलने का। आप एक औरत को घर में बांध देंगे और डरा डरा के रखेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी समाज आपकी परिवार खुशी खुशी उस परिवार में खुशी देंगे? भगवान कभी नहीं देंगे, क्योंकि कष्ट उनको हो रहा, उनकी बेटी, उन्होंने एक लड़की को भी बनाने में उतना ही मेहनत किया जितना एक लड़का को बनाने में किया है। इवन आप, मैं तो ये बोलूंगी लड़कियों के, लड़कियों में कुछ ज्यादा दिया है, तभी तो एक जीवन को उत्पन्न कर पाती है वो। कभी आप सोचो, एक औरत एक नया जीवन देती है, और नया जीवन देने के लिए उसका भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक जगत का उन्नति होना कितना जरूरी है। आपने कभी अपने बच्चियों को, बच्चे बेटियों को
ठीक से साधना करने नहीं दिया, ठीक से पढ़ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें खाना बनाना है, भाइयों की हेल्प करनी है, पापा का हेल्प करना है, मम्मी को हेल्प करना है, सबका हेल्प करते करते वो लड़की पता नहीं कहाँ किस जगह चली गई। उसके आध्यात्मिक विकास के लिए कोई नहीं सोचा, उसके मानसिक जगत के विकास के लिए कोई नहीं सोचा, उसके भौतिक जगत के विकास के लिए कोई नहीं सोचा। आप ये सोचते हो कि किसी को पर जुल्म करके आपकी उन्नति हो जाएगी, आप प्रोग्रेस कर जाओगे? कभी नहीं होगा। वो लड़की चुप रह जाती है समाज के डर से, क्योंकि लड़कियां जानती है हम फिजिकली कमजोर है, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक कोई सपोर्ट नहीं हो। और ये सच है, लड़कियां फिजिकली वीक होती है, बट आजकल अच्छा लगता है मुझे लड़कियां भी फिजिकली स्ट्रांग हो रही है, कराटे सीख रही है, जिम्नास्टिक सीख रही है, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन हमारे जमाने में नहीं था, था तो भी पेरेंट्स नहीं अलाउ करते थे। अभी तो है कि बेटियां करती है तो करती है, माँ बाप की भी हिम्मत नहीं रोक सके। अच्छा लगता है मुझे, मैं तो चाहती हूं हर एक बेटी आसमान को छुए, दिखा दे दुनिया को कि अगर मैं स्ट्रांग हूं तो आपके पूरे जनरेशन से जनरेशन स्ट्रांग होंगे। आप सोच लो, एक लड़की को आपने डरा के रखा जीवन भर, वो कैसे बच्चा पैदा करेगी? वो डरपोक बच्चा ही पैदा करेगी ना। वो डरपोक बच्चा आपका बेटा, आपका पोता भी हो सकता है, आपकी पोती भी, आपका नाती भी हो सकता है, आपका नतनी भी हो सकता है, दोनों लड़का हो तो, आपके वो लड़का हो तो फिर आपका वो जनरेशन क्या होगा? धीरे 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 और नीचे चला जाएगा। विकास होने का तो कुछ बात ही नहीं, क्योंकि आपने तो लड़की को बना के रखा था कमजोर, डरपोक, नौकरानी। नौकरानी भी, नौकरानी की भी हिम्मत होती है, जो हेल्पर जो बोलते हैं, नौकरानी वर्ड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, हेल्पर जो बोलते हैं उसमें भी हिम्मत होती है। आप उसे एक बार बोलते दूसरे दिन आपके घर काम करने वो नहीं आएगी हो, लेकिन घर की जो औरत होती है उसको स्लेव बोल सकते हो, स्लेव बना के जो लोग रखते हैं वो पाप करते हैं। मैं आज भी बोलती हूँ औरत को फ्रीडम दो। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता रोड पे नाचना, ये गलत है। ये लोग जो सोचते हैं ना कि लड़की को थोड़ा फ्रीडम दे दो तो हवा में उड़ने लगी, लेकिन ये गलत है। फ्रीडम का मतलब मानसिक जगत से उसको फ्री करो, फिजिकल जगत से उसको उन्नति करने दो, आध्यात्मिक जगत में उसको उन्नति करने दो। अगर वो बुक पढ़ना चाहती है बाबा को तो पढ़ने दो, आप ये मत बोलो जाओ किचन में खाना बनाओ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, बाबा का बुक पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साधना करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योगा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। खाना खाने के लिए, शरीर के लिए हेल्दी फूड चाहिए, हेल्दी फूड के लिए 24 घंटा किचन में रहना जरूरी नहीं है। हम जो खाते हैं 24 घंटे किचन में लगे रहते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग टी, नाइट डिनर, 24 घंटा उसी में लगे रहते हैं, साफ करना है खाना, उसको थोड़ा कम करें ना, प्लीज कम करें। क्या जरूरत है? फल फूल खा ले, स्प्राउट खा ले, जूस बना के पी ले, थोड़ा सा कम करें। मैं ये नहीं बोलती हूँ थोड़ा सा खाना भी जरूरी है, ऐसा नहीं एक दो बार स्पाइसेस का भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है बॉडी में, बट इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा मैं किचन में घुसी हूँ, काम कर रही हूँ, मेरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अगर आप मान लो सुबह उठकर रोटी सब्जी बनाने लगे तो फिर एक दो घंटे तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। सुबह उठ के फल खा लिए, दूध खा लिए, कॉर्नफ्लेक्स खा लिए, वो सब भी तो हेल्दी फूड है ना, वो ज्यादा हेल्दी है, वो ज्यादा अच्छे। इसीलिए छोटी छोटी चीजों पे कंट्रोल करें, और खासकर औरतों को जरूर ध्यान दें। एक औरत एक जीवन देती है, वो जीवन को अगर आपको अच्छे चाहिए, स्ट्रांग चाहिए सभी जगत में, मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक जगत में, तो आप उस एक औरत को स्ट्रांग बनाए। हर घर में बेटा बेटियां हैं तो ये जरूरी है समाज में। कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो मोरालिटी के ऊपर हम लोगों ने बात कर रहे थे। तो मोरालिटी दो प्रकार के, मैंने जैसे बोला फिर से शुरू करती हूँ, मोरालिटी दो प्रकार के है, यम और नियम। यम साधना आपका भौतिक और मानसिक जगत का साधना, नियम जो है भौतिक, आध्यात्मिक और शारीरिक तीनों जगत का, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक तीनों जगत में समान महत्वपूर्ण रखता है। बाबा ने इसलिए एक चीज और बोला है, जो यम नियम फॉलो नहीं करता उसको किसी तरह का पोस्ट नहीं देना है। पदवी पोस्ट को शायद हिंदी में पदवी पता नहीं क्या बोलते, पोस्ट नहीं देना है। चाहे वो आध्यात्मिक जगत का पोस्ट हो, चाहे वो मानसिक जगत का पोस्ट हो, चाहे वो भौतिक जगत, कोई पोस्ट उसको नहीं देना है, क्योंकि वो कभी भी उसमें ऑनेस्टी रख ही नहीं पाएगा। वो अगर आप ऑनेस्टी नहीं रख पाते हो अपनी पद की, अपनी मर्यादा की, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, समाज को आप नीचे ही ले जाओगे, गिरा ही दोगे, अच्छे अच्छे लोग को भी आप बर्बाद कर दोगे आप। क्योंकि हमारे जो समाज है उसमें पोस्ट एक मायने रखता है, उस पोस्ट को सभी फॉलो करते हैं क्योंकि उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अगर वो वही खराब है, वही गलत चीजें सिखाती है, वो खुद ही गलत करता है, तो क्या दूसरे को सिखाएगा, क्या वो दूसरे को करेगा?
इसलिए हमारे बाबा ने बोला यम नियम के बिना कुछ संभव नहीं, यम नियम के बिना नथिंग इज पॉसिबल। आप सुप्रीम कुमार अच्छे से पढ़ोगे ना तब कभी समझोगे, बहुत सुंदर से है। दो जो पॉप फ्रॉम साधना ट्वाइस अ डे रेगुलरली द थॉट ऑफ परम पुरुष विल सर्टेनली अराइज इन देयर माइंड्स एट द टाइम ऑफ देयर लिबरेशन इज श्योर गारंटी। देयरफॉर एवरी आनंद मार्गी विल हैव टू परफॉर्म साधना ट्वाइस अ डे इनवेरिएबली। रियली इज दिस द कमांड ऑफ द लॉर्ड। Without Yama and Yama, Sadhana is an impossibility. Hence, the Lord's command is also to follow Yama and Yama. Disobedience to this command is nothing but to throw oneself into the tortures of animal life for crores of years. That no one should undergo torments such as these, that everyone might be enabled to enjoy the eternal blessedness under the loving shelter of the Lord. It is the bounden duty of every Ananda Margi to endeavor to bring all to the path of bliss. Really, this is the part and parcel of sadhana to lead others along the path of righteousness. Shri Shri Anand Murti Ji, from Pita Baba Ki Jai. So, आपने पढ़ा कितना सुंदर ये supreme command हमारा सबसे पहला चीज है। वो command उसको हम लोगों ने कभी समझा ही नहीं, बस तोता मैना की तरह रट लिया बोल दिया। इसे ज्यादा मैं नहीं समझती किसी ने समझा है, बस याद कर लिया तोता मैना की तरह ता करके बक दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप सुप्रीम कॉन्सेप्ट समझ लो तो आगे कुछ समझने की जरूरत ही नहीं, हर चीज उसी में ही है। और आप बोलोगे 16 पॉइंट में यम नियम नहीं है, है कैसे? आप बोलो उसमें एक पॉइंट है चरण निर्देश के प्रति निष्ठा, चरण निर्देश में तो आ गया यम नियम। उसमें है पॉइंट साधना, साधना में तो यम नियम, नियम के बिना तो आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। चलो साधना को छोड़ भी दो, आपको जो बाबा ने लिखा है उसमें सुप्रीम कमांड के प्रति निष्ठा, सुप्रीम कमांड में तो यम नियम बाबा लिखा है। और यम बाबा ने यह भी नहीं बोला, इट्स लॉर्ड्स कमांड, लॉर्ड्स का कमांड है, आपका फॉलो करना है। जब कमांड का मतलब होता है आपको फॉलो करना है, उसको निर्देश है, निर्देश को मानना है। अगर आप घर में रहना चाहते हो तो आपको मम्मी पापा का निर्देश मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको घर से बाहर निकल जाएंगे, आपको नहीं रहने दिया जाएगा उस घर में। उसी तरह आप आध्यात्मिक जगत में रहना चाहते हो तो परम पुरुष की निर्देश आपको मानना ही पड़ेगी, नहीं तो आप फिर आध्यात्मिक जगत में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए हर जगह का एक रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, उसको आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइदर बाय सॉफ्ट कॉर्नर, आइदर बाय हार्ड कॉर्नर, आइदर बाय डर से करे, आइदर बाय जो भी करे, आपको करना पड़ेगा। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग डर से भी करते, ठीक है। अगर डर से अच्छाई कर रहे तो बुरी क्या है इसमें? वो डर एक दिन अपने आप खत्म हो जाएगी जब उस अच्छाई को पा लेगा वो। बस करना है, कैसे भी करना है, करना है तो करना है। आप ए मोरलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड यू नॉट, आप कहां मोरलिस्ट को खोजोगे इस बड़ी सी दुनिया में, क्योंकि आप तो खुद ही मोरलिस्ट नहीं हो। जो खुद ही आम का टेस्ट नहीं जानता वो क्या दूसरे को आम खिलाएगा? वो जो कभी रसगुल्ले को देखा नहीं हो क्या दूसरे को रसगुल्ला दिखाएगा? खुद भी भ्रम में तो दूसरे को भी भ्रम में लगा के रखेगा, करेक्ट। सो मोरालिस्ट तो आप बोलोगे आप क्या किया जाए, कैसे मोरालिस्ट कैसे ढूंढा जाए? ढूंढने की क्या जरूरत है, आप खुद मोरालिस्ट बन जाओ। कुछ भी असंभव नहीं है, थोड़ा देर लगेगी हो तो जाएगी, थोड़ा कष्ट होगा हो तो जाएगी। जब हम आसमान को छू लेंगे तो क्या हम यमियों को फॉलो नहीं कर सकते? ये मन ही तो है, अपना है, कंट्रोल कर सकते हैं। ये शरीर ही तो है, अपना है, कंट्रोल कर सकते हैं। ये अध्यात्म है, परम पुरुष अपना है, उसको पा सकते हैं। उससे मेरी उत्पत्ति ही उनसे हुई है तो मैं उसे क्यों नहीं पा सकती हूं, मेरा अधिकार है। तो क्यों ना उस चीज की तरफ ध्यान दे जहां मेरी सीमा है, जहां मेरी हाथ पहुंच सकती है। उस जगह की तरफ हम सीमा हाथ पहुंचाते जहां मेरी लोगों को ढूंढने जाते मोरलिस्ट कौन है। इसीलिए अगर हर कोई आज से ठान ले कि मैं मोरलिस्ट बनूंगा, दुनिया में मोरलिस्टों की कमी नहीं होगी और हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल जो वाइब्रेशन है वो ऑटोमेटिक एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। नॉर्मल आप मेटेरियलिस्टिक वे में जाएंगे, मेटेरियलिस्टिक वे में क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है, जैसे मैग्नेट होता है। मैग्नेट में निगेटिव पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव रिपल्सन होता है। बट ये आध्यात्मिक जगत में पॉजिटिव वाइब्रेशन एक दूसरे को मिलकर और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। हमारे आध्यात्मिक जगत में हर चीज
अलग है क्योंकि वो सच में अलग सुख की देती है, अनुभूति देती है, इसीलिए वो थोड़ा सा हटके है, अलग है। वो अलग क्या है? परम पुरुष की पाने की चाह, वो शक्ति, वो वाइब्रेशन। उसी तरह जब सभी मैक्सिमम लोग मोरालिस्ट बन जाएंगे तो ऑब्वियसली इस संसार में गलत लोगों की एग्जिस्टेंस बहुत दिन नहीं टिकेगी। विनाशकारी लोग जो बोलते हैं, जो हर पल पे विनाश कर रहे हैं, उनकी उनकी जो लाइफ है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे मोरालिस्ट बढ़ेंगे धीरे धीरे, समाज में मोरालिस्टों की कमी नहीं होगी। कितना सुंदर परिवार होगा, समाज होगा, सोचो कभी। छोटी छोटी चीज है जो देख के कितना छोटा लगता है, कभी आपने सोचा? एक्चुअली मेरा बेटा पढ़ रहा था, दो दिन से मैं काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी इस मैटर को लेके, क्योंकि हमें तो कुछ ही सब सिखाया ही नहीं जाता है, बस साधना करो, साधना करो, साधना करो। साधना क्या है? आजकल इतने लोग भ्रमित कर चुके हैं कि हर एक पॉइंट को भ्रम कर दे रहे हैं, भ्रमित कर दे रहे हैं, बस अपने आप को महान बनाने के लिए। मीठी मीठी बात बोल के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, उसकी बेस क्या है, आधार क्या है, वो किसी को पता नहीं है। पलते हो देश को, बात करते हो देश को संभाल लेंगे, समाज को संभाल लेंगे, कैसे संभाल लोगे? आप हर एक जगह जाके डिस्ट्रॉय कर दोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी लालच आ जाएगी, आप पैसे देखोगे लालच आ जाएगी। मैंने देखा है लोगों को बिकते हैं, 1000 रुपए ही में बिकते हैं लोग, एक चाय पे बिक जाते हैं लोग। अब तो पैसे की बात करते, एक बार चाय पी ले उसके गलत को गलत बोलने, गलत में गलत को भी सही बोलने लगते हैं लोग एक चाय पे। तो फिर आप क्या? इसीलिए बाबा ने एक बहुत अच्छी चीज, एक पता नहीं कहां मैंने पढ़ा है, मैं ठीक से याद नहीं, इसमें लिखे हैं कि सोच समझ के खाओगे। सोच समझ के, किसका किसके हाथ का खाना है वो भी सोच समझ के खाओगे। कैसे खाना है, किस पैसे को खाना है वो भी सोच समझ के खाओगे। क्योंकि गलत लोगों का खाओगे, गलत लोगों के पैसे की कमाई से खाओगे तो तुम्हारा भी मानसिक जगत और आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का पतन होगा, क्योंकि उसके गुण उसमें आएंगे। आप उसको ओ कर रहे हैं। आप किसी का चाय पीते हैं एक बार तो आप उसको ओ करते हैं, आप उसको जल्दी बोले बाबा उसने चाय पिलाया, मैंने कहा मैं कैसे उसका उसका ऋणी, उसका आप ऋणी हो जाते, कैसे उसका ये छोड़ दो, क्या लोग कहेंगे। इसीलिए खाना पीना, मुझे याद है मेरे पापा जल्दी किसी के घर खाते नहीं थे। कोई बोलता था खाने, पापा बोलते थे घर भेज दो, नानी बोलते थे मेरा पेट भरा है मेरे घर भेज दो। गांव की बातें कर रही हूँ मैं, छोटी थी मैं काफी, तो मुझे अच्छा लगता था चलो हमें तो मिलता अच्छे अच्छे खाना, क्योंकि पापा कहीं जाते थे तो चलो कोई खीर बना के दिया, कोई कुछ और दिया, तो वो घर भेज देते थे कि नहीं खाए तो घर पे, तो फिर हम लोग खाते थे। हम लोग बच्चे थे, बच्चों को क्या है उतना, बच्चे तो भगवान होते हैं, उनको तो कुछ भी दो कुछ फर्क होने वाला नहीं है, जहर भी दे दो तो भी वो अमृत है भगवान बच्चों के लिए। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखते हैं। मैंने देखा मेरी माँ कभी मूर्ति पूजा का प्रसाद नहीं खाती है, लेकिन नानी बोलती है कोई देता है तो ले लेती है, क्योंकि अब समाज में रहते यम नियम फॉलो करना, आपको हर चीज करना है, समाज को भी बैलेंस करके चलना है। मूर्ति पूजा का प्रसाद मैंने माँ को कभी खाते नहीं देखा, कभी नहीं, सच में खाना भी नहीं है हमें, क्योंकि मूर्ति पूजा के हमें गेस्ट है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें देखना है, कंट्रोल करना है। मुझे लगता था कि सब क्या दिमाग खराब करती है, लेकिन अब मुझे जैसे जैसे बड़ी हो रही रियलाइज हो रहा है कि नहीं, वो लोग सही थे, वो लोग गलत नहीं थे। हम लोगों को भ्रमित किया जाता है सही चीज ना जान के। पहले जमाने के लोग आप देखना, जो पहले पुराने मार्गी लोग है बाबा के टाइम, वो लोग जब भी टाइम मिले बाबा को बुक लेके बैठ जाते थे। मैंने देखा अपने पापा को, हमेशा बाबा को बुक लेके बैठे रहते थे, हमेशा पढ़ते रहते थे, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप ही नहीं जानते तो दूसरों को, बाबा ने क्या बोला, दूसरों को आनंद मार्ग के कल्याण पथ पर लाने की चेष्टा करना प्रत्येक आनंद मार्गी का कर्तव्य है। बाबा ने ये नहीं बोला सिर्फ आचार्य लोग ही आनंद मार्गी बनाएंगे, ये नहीं बोला सिर्फ आनंद मार्ग में भाषण देने का अधिकार सिर्फ उसी को, ऐसा नहीं बोला, प्रत्येक आनंद मार्गी का कर्तव्य है। आनंद मार्गी को खुद ही पता नहीं चरम निर्देश क्या है, जब आनंद मार्गी को खुद ही पता नहीं यम नियम क्या है, आनंद मार्गी को खुद ही पता नहीं 16 पॉइंट क्या है, कंडक्ट रूल क्या है, सोशल नॉर्म्स क्या, वो क्या दूसरे को समझाएगा, खुद ही फॉलो सब चीजों नहीं करता, वो क्या दूसरे को आनंद मार्ग के कल्याण पथ पर लाएगा, चेष्टा भी नहीं कर सकता है वो। इसीलिए बहुत बातें हैं, आसान नहीं होती है हर चीज, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं, करना है तो करना, अगर ठान लो मुझे करना है तो किसी की हिम्मत नहीं हो रोक सके। 1000 बाधे आएंगे आपके जीवन में, 1000 लोग आएंगे, गंदे गंदे लोग आएंगे जो कि आपको भ्रमित करेंगे रास्ते को, गलत गलत बात बोल के, ये बोल के वो ऐसी है, वो ऐसी है, बोलने दो लोगों को, काम है बोलना।
आपकी आध्यात्मिक उन्नति वो नहीं करेंगे। आपकी पेट खाली है वो आपको खाना नहीं देंगे, खाना आपको खुद बनाना है, खाना का जुगाड़ भी आपको खुद करना है। तो फिर क्यों, जो लोग अच्छे होते हैं ना उनको देख के झलकता है। कंडक्ट रूल, गलत पैसे, गलत चीजें, गलत चीज कभी नहीं करना चाहिए। उसके खाने से क्या आपका मानसिक भौतिक आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। आजकल क्या है, हर चीज पैसे हो गया। पैसे दे दो आपको, दो दिन में लोग बोलेंगे अच्छी लड़की है। आपको अच्छा बनना है, आप किसी को पैसे दे दो फिर आप अच्छी बन जाएंगे। ये प्रैक्टिकल बोल रही हूं मैं, ये प्रैक्टिकल बातें बहुत कड़वी होती है लेकिन सच है। आपको किसी के मुंह से सुनना है कि आप अच्छी हो, आप आज पैसे दे दो, आज कल से आपको बोलने लगेगा ये बहुत अच्छी है। लेकिन हमें बाबा ने क्या बोला, यू हैव टू हेल्प द नीडी पीपल। सबको ऐसे ऐसे देते चलोगे, पता चलेगा बाद में आप ही भिकमंगे बन गए, क्योंकि बाबा ने बोला है 2% आपको नीडी पीपल को देना है, ढोंगियों को नहीं, लालचियों को नहीं। सबके पास है, सबको अपना अपना कंट्रोल करके रखना है, सबको अपना रखना। क्यों क्यों कोई एक आदमी हवा में उड़ाए पैसे, ऐश करे, मौज करे, मस्ती करे, दूसरे आदमी जमा करके उसको मौज मस्ती करने दे, ऐसे नहीं होता। ये यम नहीं, ये मोरलिस्ट नहीं है। ऐसे लोग मोरलिस्ट हैं, ऐसे लोग आनंद मार्गी नहीं है। सो बहुत कुछ है जो कि हमें समझना है, करना है। और एक चीज और याद रखना, जो कोई भी पोस्ट होल्डर है दे हैव टू फॉलो यम नियम। अगर वो यम नियम फॉलो नहीं करता है तो सामने पोस्ट पे, अगर पोस्ट में है भी अपने छल कपट से, तो हम उसे नहीं मानेंगे। बाबा ने इतना सुंदर बोला है, तुम नहीं मानोगे। जिसका आचरण नहीं है सही उसका, तो उसको तुम नहीं मानोगे। हमें वो अधिकार दिया है बाबा ने, कोई बोल नहीं सकता है कि तुमको ऑर्गेनाइजेशन का या किसी चीज का मानना है नियम। अगर आपको मनवाना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको दिखाना पड़ेगा अपने आचरण से कि आप उस लायक हो। अगर आपके आचरण उस लायक नहीं है तो मैं आपको नहीं मानूंगी। मैं सिर्फ अपने बाबा को मानती हूँ, बाबा का नियम कानून मानती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं मानती हूँ। चाहे आप मुझे बुरा बोलो, अच्छा बोलो, जो भी बोलो। जिस दिन ये हर एक इंसान ठान लेगा उस दिन इस दुनिया को बदलना, मतलब एकदम बदलेगा ही ये समाज, ये देश, ये परिवार बदलेगा। इतना लोग विकास हो गए हैं एकेडमिक क्षेत्र में, क्या कुछ नहीं हो रहा है? अभी भी घर में हर कला कला पूर्ण हो गया है समाज, देश। लोग बोलते हैं भगवान ने मेरे साथ ओ क्या, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, हमारे कर्म हमें भुगाते हैं। ये चीज याद रखना। अगर कुछ भी कुछ लोग होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसे भी सफर करना पड़ता है, तो आप ये क्या बोलेंगे, इंसान तो इतना अच्छा था उसे क्यों सफर करना पड़ा? हो सकता है उसका प्रीवियस जन्म का संस्कार था, उसका रिएक्टिव मोमेंटा था जो उस जन्म में नहीं हो पाया, इसलिए इस जन्म में वो भोग रहा है, सफर कर रहा है। लेकिन अगर आपको कष्ट है और उस कष्ट में आपको कोई हेल्प करने वाला है तो आपका सफर नहीं होगा, वो संस्कार क्षय होगा। सफर कब होता है? जब आपको कोई साथ देने वाला नहीं हो तब वो सफरिंग होता है। अगर आपके पैर टूट गए या आपको कंधे को उठाने वाला आपका पति है तो आप क्या सफर कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। हाँ, अगर आपके पैर टूट गई, आप रोड पे बिलख रहे हो, मर रहे हो, तो आपका वो सफरिंग है। इसीलिए जब आप स्पिरिचुअल में स्ट्रांग होते हो ना तो आपकी रिएक्टिव मोमेंटा कुछ है होना होता है। अब देखना, कभी कभी लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा जाने से बड़ी कष्ट होता है, कष्ट नहीं होता है, वो संस्कार क्षय होता है। क्योंकि आप परम पुरुष आपको अपने पास पाना चाहते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं, इसे तो इसे मुझे चाहिए। आप जिस फोर्स से उसे चाहना चाहते हैं, उसे डबल फोर्स से वो आपको चाहना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। वो आपको अपने आप में समाहित, वो समाहित जब करना चाहते हैं तो उसके बीच में आ जाता है व्यक्ति मोमेंट, आपके संस्कार। उस संस्कार को हटाते हैं भगवान, छह करवा देते हैं अंतिम मोमेंट में, ताकि आपको भगवान के साथ मिक्स हो जाए, भगवान जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। तो लेकिन एक चीज है, जब आध्यात्मिक लोग को कष्ट होता है तो वो सफर नहीं होता है, क्योंकि उसको कोई ना कोई हेल्प करने वाला होता है, उस समय में उसको संभालने वाला होता है। जब आपको संभालने वाला कोई नहीं है तब वो सफरिंग कहलाता है, तब वो तकलीफ कहलाता है, दुख कहलाता है। इसीलिए जब आध्यात्मिक जगत में आप आगे बढ़ते हो, आपके जीवन में छोटी मोटी अप एंड डाउन आती है, तो आप उसको कभी भी नहीं माइंड करो, सोचो ये अच्छी के लिए हो रहा है, हमारे जो होता है हमारे अच्छी के लिए होता है। फिर देखना आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, वो शक्ति आएगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते एक दिन
उस एक निर्गुण ब्रह्म में एक हो जाए, सगुण निर्गुण मिक्स होकर एक हो जाएगा, फिर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे आप। हमें लगता है कि चलो वो फलना तो बहुत ऐश कर रहा है, अमीर है, ये है वो है, इसके पास वो है, बहुत खुश होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब ढोंग है, देखने का अपना नजरिया है। मुझे तो लगता है हर इंसान के अंदर हर चीज है। बाबा ने एक चीज और लिखा है योगा साइकोलॉजी में, जो सोचता है हाँ एक चीज मैंने भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मोरालिस्ट जो होगा कभी भी मनुष्य में डिफरेंसेस नहीं सिखाएगा, कभी भी नहीं। जो इंसान अगर आप हाँ, आप बोलते यम नियम फॉलो करता, आप नहीं देख सकते हो, लेकिन एक गुण से आप देख सकते हो कि मोरलिस्ट है कि नहीं। उसमें योगा साइकोलॉजी में लिखा है, दोज हु टीच डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द अदर क्रिएचर्स दैट कांट बी अ मोरलिस्ट। अगर आप कोई आदमी आपको सिखाता है अरे वो तो उस लैंग्वेज का है, उस लैंग्वेज का है, तो आप समझ लो आदमी मोरलिस्ट नहीं। पहले ही भाई बाबा नाम केवलम कर दो ना, बाबा नाम केवलम, आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते में अपना संस्कार खराब नहीं करूंगी आप जैसे ढोंगियों के साथ रखे, पहले ही नमस्कार कर लो। क्योंकि आपका एक बहुत जो आपको देश के नाम पे सिखाता है, देश के नाम पे आपको डिफरेंसेस सिखाता है, समाज के नाम पे डिफरेंसेस सिखाता है, कास्ट के नाम पे डिफरेंसेस सिखाता है, लैंग्वेज के नाम पे डिफरेंसेस सिखाते हैं, वो मोरलिस्ट हो ही नहीं सकता है। बाबा ने क्लियर लिखा योगा साइकोलॉजी के, कल तप स्पेशलिटी में आप पढ़ लेना, दो जो टीचर्स डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर क्रिएचर्स दे कांट बी अ मोरलिस्ट। तो ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंसेस कैसे पैदा करता है इंसान, कास्ट के नाम पे, स्टेट के नाम पे, नेशनलिटी के नाम पे, ये सब के नाम पे डिफरेंसेस पैदा करता है, कलर के नाम पे, ये सब चीज के नाम पे करता है, ये सब चीज, ये लोग ढोंगी है, इन लोगों से बच के रहना है, ये लोग मोरलिस्ट हो ही नहीं, जो मोरलिस्ट नहीं हो क्या धार्मिक होंगे, क्या धार्मिक होंगे। बाबा ने क्लियर बोला जो यम नियम को फॉलो नहीं करता है मोरलिस्ट नहीं है, जो मोरलिस्ट नहीं है उसको कोई बेसी नहीं है अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअलिटी का गोल हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ भ्रमित करने के लिए इस समाज में है, लोगों को सिर्फ भ्रमित करेगा, उससे अलावा कुछ नहीं करेगा। आज के बाद कोई आपको किसी भी तरह से डिफरेंसेस पैदा करना चाहता है, आप उससे दूर हो जाएं। अगर आप चाहते हो कि आप आध्यात्मिक विकास हो, तो आध्यात्मिक विकास तभी होगा जब आपको डिफरेंसेस जो है मिटाना होगा। डिफरेंस क्योंकि हम बात करते हैं, हमारा आनंद मार्ग बात करता है, हमारे परम पुरुष बाबा बात करते हैं, विश्व बंधुत्व का बात करते हैं। विश्व बंधुत्व में कहां कुछ आता है, सब एक है, सभी परम पुरुष के बच्चे हैं। कभी आपने बाबा ने बोला रिमूव द इजम, इजम मीन्स कास्टिज्म, नेशनलिज्म, सब इजम, जितने इजम है सबको खत्म करने बाबा ने बोला। आप तो वही पैदा कर रहे हो ना, कभी लैंग्वेज के नाम पे डिफरेंस पैदा कर रहे हो। लोग कुछ लोग आजकल नया एक रूल लगाया आइडियोलॉजी के नाम पे डिफरेंस पैदा कर रहे हैं कि वो आइडियोलॉजिकल नहीं है। आप कैसे मान लेते हो आइडियोलॉजिकल नहीं है, और आप आइडियोलॉजिकल है आपके गुण से ही नहीं लगता। अगर आप आइडियोलॉजिकल होते तो ए वर्ड यूज ही नहीं करते कि वो आइडियोलॉजिकल नहीं है। क्योंकि आप ये वो आइडियोलॉजिकल नहीं है ये बोल के आप क्या कर रहे हो, डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के बीच में। आप यम नियम को फॉलो करते थे ये वर्ड आपके मुंह से निकलती ही नहीं। आजकल बहुत कुछ हो रही है, वर्स्ट होते जा रहा है, पता नहीं लोग इसमें एडजस्ट कर गए हैं जीना। मैं देख रही हूं लोग इसी में एडजस्ट कर गए। एडजस्ट करना हमारा आध्यात्म जीवन नहीं है। एडजस्ट वो करते हैं जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हमारे पास ऑप्शन है, हमारे बाबा ने इतनी सुंदर आनंद मार्ग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, एक इतनी सुंदर पावरफुल स्पिरिचुअल पावर दिया है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम दूसरे को नहीं चेंज कर सकते, खुद को चेंज कर सकते, अपने परिवार को दिखा सकते, समाज के सामने क्या उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, समाज को दिखा सकते हैं आनंद मार्ग परिवार है। हर एक औरत ठान ले अपने परिवार को, परिवार मेरा आनंद मार्ग का परिचायक बनेगा तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। एक इंसान आनंद मार्ग, एक इंसान मोरलिस्ट बन जाए पूरे दुनिया को चेंज कर सकता है, इतना आप जान लो। जरूरत नहीं है क्राउडेड बनाना, क्राउडेड बनेगा तो और अच्छी बात है, लेकिन मोरलिस्ट का क्राउड होना चाहिए, ढोंगियों का क्राउड नहीं। इसीलिए माँ एक औरत का भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक जगत में प्रोग्रेस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक औरत ही घर को कंट्रोल कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। क्योंकि जेंट्स बेचारा काम करते करते थक जाता है, वो क्या करेगा घर की, कमाते कमाते एक कैपिटलिस्ट इतना खटाते हैं। मैं खुद अपने हस्बैंड को देखी, बेचारा इतना काम करता है, मुझे कभी कभी तकलीफ होता है। इतना काम 24 घंटा में वो 16 घंटा काम करता है बस वो पेट पालने के लिए, परिवार खुशी खुशी खाए पिए रहे। लेकिन लोगों को क्या लगता है, बहुत कमाता है, वो क्या कमाता है,
उसकी आपने कभी सेक्रीफाइसेस देखा है? कभी उसकी मेडिटेशन छूट जाती है, कभी उसकी योगा छूट जाती है, बेचारा सफर कर जाता है बीमारी से। एक कैपिटलिस्ट लाइफ हटाना, एक कैपिटलिज्म जो है, एक कैपिटलिस्ट जो है, ये सबको भी हटाना, क्योंकि ये इंसान को चूस रहा है और हमें पेट पालना है, वो पेट पालने के लिए कमाना पड़ेगा इंसान को ना, तो इसमें रह के ही इसको हटाना। क्या हर माँ अगर ठान ले कि हम अपने बच्चे को भगवान से, भगवान के बच्चे भगवान ही बनाऊंगा, तो फिर कोई हैवान नहीं होगा इस पृथ्वी पे, कोई हैवान नहीं होगा। जब हैवान नहीं होगा तो फिर बात ही खत्म। कितना सुंदर सा एक समाज होगा, आध्यात्मिक समाज, आध्यात्मिक परिवार। पता नहीं अब जो भी हो, मैंने बहुत कोशिश किया समझाने का, लेकिन आप हमेशा याद रखना मोरालिटी, मोरालिटी इज द बेस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। मोरालिटी इज द बेस है, स्पिरिचुअलिटी इज द गोल। चलो बहुत कुछ मैंने बोला, और यम नियम का मैं डिस्क्रिप्शन, एक एक पॉइंट जो है, सत्य सत्य ब्रह्मचर्य, सब जो पॉइंट है, 10 पॉइंट्स, यम 5, 10, 5, मैं उसको डिस्क्रिप्शन करूंगी जब मेरा बेटा गाइड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट पढ़ेगा तो। चलिए ओके, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिता बाबा की जय।